मम्मी यहाँ से दूध लेने आती है। अच्छा अच्छा मैं घर में दूध लेने। अब ठंड खत्म हो गई, धूप निकलने लगी ना सब है, नहीं तो लग रही है ठंड है पर इतनी थोड़ी है पहले की तरह थोड़ी। और वही तो इतनी करारी करारी तड़तड़ आवाज आ रही थी उसकी, इतने उससे वो खा रहा था। अच्छा जी भैया दुर्गा बेच के उसकी जुरुआ ला रही है तोड़ के, बुआली फेरी वाली है तो मटर आज भी 22 रुपए ही मटर बिकी है मंडी के अंदर। ताका उनको बता दो तो रोज ठेला रोक के लेंगे, लाओ नींबू दो कहेंगे खाती मैं ज्यादा लाए नहीं मैंने इसलिए मैं खाली गोली। नींबू का ठंड में मैंगो है नींबू सारो ठंड में हमारे तो रमजान अभी तो और ज्यादा महंगे हो गए, अभी तो रमजान आने वाले महंगे होंगे देखियो कितने महंगे। ये कुछ कपड़े हैं सामने ना, एक कपड़े हैं इनको हमने कहा दे दो, कोई फ़ायदा नहीं है ना ऐसे बेवजह में पहना भी नहीं है, किसी के काम ही आ जाएगा ये, ज़्यादा अच्छा है कोई पहन लेगा तो पड़े पड़े भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बस आज घर का ही ब्लॉग था और मैंने कहा लाओ आज मैं बनाऊँ, क्योंकि यादें होती हैं माँ के घर की और माँ के घर जैसी बात तो कहीं पर भी नहीं आ सकती, बैठे बैठे चाय नाश्ता सब कुछ मिलता रहता है यहाँ पे। तो बस अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, फैरिया सो भी रही है अभी, तो कुछ कपड़े निकाले थे अम्मी ने देने के लिए, एक सामने हैं तो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पहन लेंगे ताकि काम ही आ जाएंगे घर में भी, और किसी ऐसे को दो जो कि मतलब पहन ले तो ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि अक्सर हम लोग कपड़े दे देते हैंगे ना तो फिर वो ये होता है कि वो लोग पहनते नहीं है, कभी आग में जला देते हैं कभी कुछ करते हैं ना, तो दिल नहीं करता उनको देने का, तो किसी ऐसे को दे दो जो पहन ले। तो अभी जो है सारा वो सो भी रही है फैरी, आज देर हो गई उसको, और हमने सुबह सुबह सब्ज़ी वाले से आज ये आल प्याज ली, ये जो कि मतलब हम जो अपने वहाँ से लेते हैं दिल्ली से ना तो बड़ी मोटी मोटी सी होती है ना वो बात नहीं होती, और ये बिल्कुल फ्रेश है कल ही खेत में से बिल्कुल टूटी है ना, ये बड़ी अच्छी होगी, टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका बनने में बिल्कुल, क्योंकि फ्रेश है ये। गाँव का ये बड़ा अच्छा भी लगता है कभी कभी, एक हमारे यहाँ रात को आता है भूरा जो हमारे यहाँ ही उसका खाना होता है, दिन में भी आ जाता है बैठ जाता है लेकिन रात को हमेशा वो हमारे घर में रहता है, उसकी रात की रोटी हमारे यहाँ की होती है, डॉगी है बड़ा प्यारा सा है, भोला सा है, क्यूट सा है। तो बस अभी जो है बादल बन रहे हैं आज थोड़े थोड़े सारे, लेकिन धूप है बहुत अच्छा है, इतनी ठंड नहीं है। और आज मैं बनाऊंगी आल प्याज, बहुत अच्छी होती है, मैं इसकी रेसिपी भी आपको ज़रूर दूंगी, अच्छी लगती है, बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं लेकिन ये कच्ची कच्ची प्याज जिसको बोलते हैं बहुत अच्छी होती है। जल्दी उठ गई जो पैरिया सो के उठ गई गुस्से में बैठी कैसे आएंगी भैया, फोन दे दो बस सुबह फोन दे दो, क्यों दे दीजिए पहले बोलो दे दीजिए, ऐसे गुच्छा चुबा चुबा और ऐसे बोलोगे तो फोन मिल जाएगा। अभी जो है फैरिया को जो अंडा खाना है तो मैंने कहा उसको अंडा बना के दूं, उनको सुबह सुबह आज भूख लग रही है तो
हमारी मम्मी जो है ना इसके अंदर अंडे रख देती है, वो ना फिर वो क्रेट से बच जाते हैं, बुरा लगता है, अपनी जगह भी घेरते हैं। तो ये खानिया को भी खाना है, अंडा अंडा बना के देता हूँ। इसमें डालना दाने, ठीक है? इसमें डालो छिकल वहाँ फेंकूंगी। अब कितनी सस्ती है, वहाँ पे इतनी महंगी मटर मिलती है और 70 रुपए की 5 किलो है, 70 रुपए की। भी जो है मैं आटा गूंदूंगी और उसके बाद, क्योंकि आज अम्मी की तबीयत खराब है ना इसलिए। भी जो है वो शाम हो गई है, करीब 5:30 होने वाले हैं। फैरिया जो है सो रही है और वैसे ये ना मेरी अम्मी का नमाज का रूम था, लेकिन इसको नमाज भी पढ़ लेती हैं यहीं पे और खाना भी यहीं बना लेती हैं जब से सर्दियाँ आई हैं। और किचन तो खैर है हमारा दूसरा ही है। ये वाइट वाली दाल मैंने बनाई, पानी इसका खुश्क हो गया, बस अब इसमें जो है इसका भंगार रह गया। इसमें ना मैंने अदरक और अदरक काट के डाली है, हरी मिर्च डाली है, पीली मिर्च नहीं होती साबुत वाली वो मैंने डाली है, बहुत टेस्टी होती है दाल। अभी मैं जा रही हूँ अपनी छत पर टेरेस पे, तो उसका विजिट एक बार आपको करा दिया। शाम का मौसम छत पे बहुत अच्छा लगता है। ये है मेरी छत, वो सामने मस्जिद रही, बहुत सारे खेती खेत नजर आ रहे हैं और ये सारे खेती के बीच में हमारे सबके यहाँ घर है। उधर जो है ना सारे खेती कहते हैं, बहुत सारे तालाब भी जो है वो उधर ही है बैक साइड। ये सारा सब धुआं धुआं हो रहा है, सबके घरों में चूल्हे जल। तो बस ये शाम की रात की वीडियो है और बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं ना। आप इस मेरे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट।